जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2022 फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष में पड़ रहा संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत पूजन शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय समय के बारे में। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को इसे द्विज प्रिय संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वैसे हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, साथ में माता दुर्गा का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जो कि विघ्न हरता है, सभी के विघ्नों को हरने वाले हैं और अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। जो भी जातक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान गणेश का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से शाम के वक्त चंद्रोदय होने पर, चंद्रोदय होने से पहले भगवान गणेश का पूजन कर ले, उसके बाद चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। विशेष प्रकार से संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। उपवास अगर ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। जिनका स्वास्थ्य सही नहीं होता वह एक समय फलाहार ग्रहण कर ले। जो भी जातक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करे और फिर व्रत का संकल्प ले कि हे भगवान गणेश, हे विघ्न विनाशक, हे विघ्न हर्ता गणेश, आज मैं आपके संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हूं। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो भगवान गणेश से कहनी चाहिए। भगवान गणेश जो कि प्रथम पूजनीय है, किसी भी प्रकार के शुभ कार्य और मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। सदा ही धर्म का आचरण करते हुए ही रहना चाहिए। जो भी पूजन करते हैं भगवान गणेश का पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले। उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं और वहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमा या फोटो रख करके और साथ में माता दुर्गा का भी फोटो रख करके या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान गणेश का विशेष प्रकार से उनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल भगवान गणेश को अर्पित करें। उसके बाद भगवान गणेश को अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित करें। भगवान गणेश को लाल पुष्प चढ़ाएं। भगवान गणेश को दुर्वा दल अति प्रिय है तो उन्हें दुर्वा दल अर्पित करें। उन्हें सिंदूर अति प्रिय है, सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। उसके बाद अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान गणेश को अर्पित करें। लड्डू और मोदक का भोग भगवान गणेश को लगाएं। नैवेद्य चढ़ाने के बाद उन्हें आचमनी जल से कराएं। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद भगवान की आरती करें। तो आइए जानते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 20 फरवरी 2022 दिन रविवार को किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 19 फरवरी 2022 दिन शनिवार रात्रि 9:57 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 20 फरवरी 2022 दिन रविवार रात्रि 9:16। इस दिन चंद्रोदय का समय जो कि रात्रि 9:26 है उससे पहले ही भगवान गणेश का पूजन कर ले। उसके बाद फिर चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर इसके बाद व्रत को पूर्ण करें। इस दिन योग जो कि शूल योग दोपहर 3:08 तक है। उसके बाद गंड योग नक्षत्र इस दिन हस्त नक्षत्र शाम 4:43 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र इस दिन राहु काल का समय जो कि शाम 4:20 से शाम 5:46 तक राहु काल का समय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।